कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 15वां अध्याय। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को, तब बारहों को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं पर कितने सो गए, फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। सो चाहे मैं हूं चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं, और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सोह जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है
जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह हैं और पार्थिव देह भी हैं, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है।